देवा गुजर हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर, भैरू गुजर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बड़े राज खुले। कोटा बोरावास निवासी देवा गुजर की हत्या का मुख्य इनामी आरोपी भैरू गुजर को SIT टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को रावतभाटा के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 3 दिन की रिमांड अवधि पर भेजा। वारदात के 1 महीने बाद 5 मई को आरोपी भैरू गुजर मंडवा पुलिस के हाथे चढ़ा। पुलिस ने उसे मुकुंदरा पहाड़ियों के जंगलों से पकड़ा था। SIT टीम की ओर से भैरू गुजर की संपत्ति के बारे में गत दिनों से जानकारी एकत्रित की जा रही थी। भैरू गुजर की संपत्ति को कुरक करने की विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई थी। अवैध भूमि पर कब्जा कर मकान बनाया था। प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, जिसकी तैयारी की जा रही थी। भैरू गुजर को पुलिस ने मुकुंदरा के जंगलों में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। मुकुंदरा के जंगलों में भैरू गुजर को जब पुलिस ने दबोचा तो उसके साथ एक महिला भी थी। बताया जा रहा है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी भैरू गुजर की, जो 1 महीने से फरारी काट रहा था उसके साथ। भैरू गुजर देवा गुजर हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो बाबू गुजर का बड़ा भाई है। 4 अप्रैल को सैलून की दुकान में 25 बदमाशों द्वारा देवा गुजर की हत्या की गई। SIT ने 24 आरोपी पहले भी गिरफ्तार कर दिए। 1 महीने के बाद भैरू गुजर की गिरफ्तारी हुई।